नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। कुछ कर्मचारियों की वजह से छात्र छात्रों का भविष्य लापरवाही का शिकार बन गया है। आपको बता दें कि छपरा शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के कुछ छात्राओं ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ अपने हक के लिए जमकर नारेबाजी की है और वही दुख प्रकट किया है। देखिए, छपरा शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की कुछ छात्राओं ने आज स्कूल प्रशासन के खिलाफ अपने हक के लिए जमकर नारेबाजी कर अपने दुख प्रकट किए और स्कूल प्रशासन के लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाए। छात्राओं का कहना है कि स्कूल ने नामांकन के समय नामांकन तो करवाया, लेकिन जब परीक्षा के समय छात्र छात्राओं अपना डमी एडमिट कार्ड निकालने गई तो वहाँ आया ही नहीं। इस बात को जब उन्होंने स्कूल प्रशासन को बताया तो उन्होंने बोला कि थोड़ा इंतजार करो, आ जाएगा, लेकिन फिर वह एडमिट कार्ड नहीं आया। तो इस बात पर प्रशासन का कहना था कि उनका पंजीकरण पेंडिंग में चला गया है। स्कूल प्रशासन का कहना था कि वो कार्रवाई कर रहे हैं और बोर्ड ऑफिस को वो पत्र लिखा है। अंत में जब परीक्षा फॉर्म भरने का समय आया तो स्कूल प्रशासन ने कहा कि तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता फिर से नामांकन करा लो। इस मामले में छात्र छात्राएं बीओ और डीएम को पत्र लिख चुकी है, लेकिन उनका भी यही कहना है कि आप लोग दोबारा से नामांकन करा लो। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इतने सारे छात्र छात्राओं का पूरा साल यूं ही बर्बाद हो जाएगा? एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को पहले से बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने इतने बड़े बदलाव किए हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद गैर जिम्मेदार और लापरवाह कर्मचारियों की वजह से ना जाने कितने छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में जाने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। हम लोग गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और हम लोग वहाँ पे एडमिशन लिए 2019 से 2021 के बीच के हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोगों का एडमिशन ले लिया गया। और जब हम लोग डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड निकालने गए इंटरमीडिएट के लिए तो हम लोगों को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया। हम लोगों ने स्कूल में जाकर पूछा तो बोला लोग कुछ लड़कियों का आया है और कुछ का नहीं आया है, कुछ दिन बाद तुम लोग का आ जाएगा। हम लोग वेट किए, फिर हम लोग का नहीं आया तो हम लोग जाकर फिर से पूछे तो वो लोग बोल रहा है कि तुम लोग का डमी रजिस्ट्रेशन तुम लोग का पेंडिंग में चला गया रजिस्ट्रेशन। हम लोग पूछे क्यों गया है तो बोल रहे लोग हम लोग इस पे कर रहे लोग करवाई वो ऑफिस में भेज रहे हैं। और फिर अब हम लोग पूछ रहे जब हम लोग का फाइनल एग्जामिनेशन फॉर्म भराने वाला है तो हम लोग पूछ रहे हैं तो बोल रहे लोग कि अब तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता, फिर से एडमिशन लो। हम लोग के पास हम लोग डीओ के पास एप्लीकेशन डाले, डीएम के पास एप्लीकेशन डाले, लेकिन वो लोग भी बोल रहे हैं कि तुम लोग एडमिशन ले लो फिर से। लेकिन हम लोग के साल का क्या होगा? हम लोग का एडमिशन नहीं लेना, हम लोग जो करेंगे इसी साल करेंगे। हम लोग कितने सोच में पड़े रात भर दिन भर हम लोग सोच रहे हैं। सुमन कुमारी, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।